खोरावाड़ थाना क्षेत्र के रामनगर करजहा के पास रविवार की रात करीब रात 11 बजे पुलिस ने मुठभेड़ में एक शातिर बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस पर फायरिंग कर भाग रहे बदमाश को पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। वहीं उसका एक साथी अंधेरे का फायदा उठाकर चकमा देकर फरार हो गया। घायल बदमाश को पुलिस वालों ने मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। उधर उसके फरार साथी संजय निषाद पुत्र बंसी निषाद ग्राम चनगाही थाना पिपराइज की तलाश की जा रही है। पकड़ा गया बदमाश मिथुन पासवान गैंग से जुड़ा है। वह देवरिया के गौरी बाजार थाने का हिस्ट्री शीटर भी है। एसपी सिटी सोनम कुमार ने बताया कि बदमाश की पहचान देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र के गौरी बुजुर्ग गाँव निवासी धर्मदेव यादव पुत्र मेवालाल के रूप में हुई है। धर्मदेव यादव चौरी चौरा इलाके के रहने वाले मिथुन पासवान गैंग का सक्रिय सदस्य है। धर्मदेव पर हत्या का प्रयास, लूट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। खोराबार इलाके में 6 जून को हुई दिव्या दुबे हत्याकांड में भी वह दिव्या के चचेरे भाई के साथ शामिल था। खोराबार पुलिस को उसकी तलाश थी। रविवार की रात में बदमाशों की चेकिंग के दौरान बाइक सवार संदिग्ध युवकों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस टीम पर फायरिंग कर भागने का प्रयास किया। इंस्पेक्टर खोराबार राहुल सिंह और क्राइम ब्रांच टीम के नेतृत्व में चौकी इंचार्ज रामनगर करजहा चंदन सिंह, वेलवार चौकी प्रभारी शैलेंद्र मिश्रा, इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी प्रभारी पुरुषोत्तम सिंह की टीम ने बदमाशों का पीछा करते हुए जवाबी कार्रवाई की, जिसमें धर्मदेव के पैर में गोली लगी और वह बाइक सहित गिर गया, जबकि बाइक के पीछे बैठा उसका साथी अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया। धर्मदेव के पास से एक चोरी के लाइसेंसी DBBL गन 12 बोर, एक खोखा कारतूस 12 बोर व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर, एक चोरी की पल्सर मोटरसाइकिल बिना नंबर की बरामद हुई है। पैर में गोली लगने से घायल धर्मदेव को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। उसके साथी की तलाश की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, आज दिनांक 25/7/2021 को लगभग 10:45 बजे मुखबिर से सूचना मिली कि बागागाड़ा के तरफ से दो बदमाश जगदीशपुर की तरफ जा रहे हैं। इस सूचना पर इंस्पेक्टर कोराबार की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम ने उनका जब पीछा किया तो जंगल चौरी एयरफोर्स अडार इसके पास उन्होंने पुलिस पर जान लेने की नीयत से फायर किया। इसकी जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई तो एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे तत्काल अभी हॉस्पिटल लेके गया गया है और दूसरा बदमाश वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया है। इसकी तलाश के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन की जा रही है। घटनास्थल से एक DBBL बंदूक, एक पल्सर, एक 12 बोर का खोखा और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है।